हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज हम कर रहे हैं N94 चैलेंज। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं। एंड गाइस ये जो N94 है बहुत ही यूजफुल गन है। आप लोग अगर इस गन को यूज़ नहीं करते, मेरे को पता है ये बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते गन को, लेकिन ना आप लोग एक बार यूज़ करके देखना, बहुत डैमेज देता है एंड बहुत ही अच्छा गन है। एंड मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ना रैंक में यूज़ करता हूँ यार, क्लच स्क्वाड में भी तो आजकल आ चुका है एंड पहले भी हिसाब से आया था, लेकिन बहुत ही मस्त गन है। मैं हमेशा यूज ही करता हूँ, जो गेम मोड खेलूँ ना अगर उसमें N94 है तो भाई यूज तो करता ही हूँ, चाहे कस्टम भी हो जाए तब भी भाई यूज़ करने तो भाई है ही अपना यार। क्योंकि इसका जो डैमेज है, अगर आप लॉन्ग रेंज में यूज़ करो या शॉर्ट रेंज में, वो आपको मायने नहीं रखता। आपको जो शॉर्ट रेंज में अगर आप यूज़ करोगे तब भी अच्छा डैमेज देगा एंड लॉन्ग रेंज में यूज़ करोगे तब भी आपको अच्छा डैमेज देगा। एंड ये फास्ट राउंड है इसीलिए मैं M500 यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये M500 से मैंने इस बंदे को मार के ख़त्म कर दिया। तो ये राउंड ख़त्म हो चुका है हमारा एंड अभी नेक्स्ट राउंड आ चुका है। देख सकते हो इधर लिखा है कि बैच रुद्रा, मतलब बैटल आर्मी की मिंग रुद्रा ने किया है MBB, मतलब MBB बन गया, मतलब मैं MBB बन गया। एंड इधर मैंने देख सकते हो ये न्यू अपडेट के बाद रेंडमली मतलब ये सारे गन्स आ चुके हैं, तो मैंने N94 उठाया है। ये बहुत सारे गन है लेकिन मैं N94 उठाऊँगा एंड आपको मैं बताऊँगा N94 से कितना अच्छा डैमेज पड़ता है। देख सकते हो गाइस 30-40 या भाई एक देख लो भाई एकदम जैसा भाई M14 डैमेज देता है ना, M14 की तरह ही है। लेकिन M14 क्या करता है, आपका कुछ जो डैमेज उसका है ना, वो डैमेज में थोड़ा अगर आप एनिमी को मार रहे हो, वो भी एनिमी दौड़ रहा है, इससे N94 से आप एनिमी को दौड़ ही रहा है एनिमी या बैठ ही रहा है या सो ही रहा है, लेकिन तब भी बहुत मस्त डैमेज देता है। और भाई डैमेज तो लगता ही है, लेकिन M14 से क्या होता है कि डैमेज अगर कोई बंदा दौड़ रहा है ना तब उससे नहीं लगता, मतलब डैमेज लगता ही नहीं है दौड़ने में, भाई बहुत दिक्कत देता है। एंड देख सकते हो हम लोग 3 राउंड जीत चुके हैं भाई। एकदम मस्ट गन है, एकदम भयात गन है। आप लोग ये सोच सकते हो यार कितना अच्छा गन यार। एंड गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इसका शॉर्ट रेंज में तो एकदम शॉर्ट गन की तरह ही है, बहुत ही डैमेज देता है और लॉन्ग रेंज में भी। एंड गाइस देख सकते हो इधर एक बंदा है और मैंने इसको बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से मैंने उस बंदे को हेड मार दिया। आप लोग भी हेड मार सकते हो, ये बहुत ही मस्त गन है एंड यूज़फुल गन है। आप लोग अगर यूज़ नहीं करते तो यार यूज़ कर लेना, बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते लेकिन यार एक बार ट्राई तो करना भाई, ट्राई करने में क्या जाता है। और गाइस देख सकते हो इतना डैमेज दे रहा है और भाई हेड भी आसानी से लग जाता है N94 से। आप लोग यार क्या ही बोलूँ, अगर आप यूज़ करते हो तो आप एकदम प्रो बंदे हो। एंड गाइस इधर देख सकते हो बंदा है एक, तो मैं उस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ लेकिन वो बंदा उधर साइड से भाग गया। तो अभी 2 बंदे बाकी है एंड 2 बंदे को तो भाई फिनिश करना ही, अपने को लास्ट राउंड है भाई, लास्ट राउंड में ख़त्म ही करना है। तो इधर एक बंदा, मैंने इधर मार दिया उसको ग्रेनेड एंड अगर वो डैमेज पड़ा तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसने लगा दिया ग्लू वॉल। और मैं और मेरा ये दोस्त है उकोंग, तो यार उकोंग और मैं भाई इधर बंदे को मार रहा हूँ और देख सकते हो शॉर्ट रेंज में भी कितना मस्त डैमेज दे रहा है एंड भाई इतनी आसानी से। आप लोग यार देख सकते हो इतनी आसानी से मैंने उसको नॉक भी किया और क्लियर भी कर दिया, बहुत ही टाइम नहीं लगा भाई, 2 मिनट में ख़त्म हो गया बंदा। एंड ये बंदा भी मर गया। एंड गाइस देख सकते हो हमारा भूया भी हो गया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं हम लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।